वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी देखेंगे। जैसा कि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024-2025 के लिए, तो आर्मी स्कूल से बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। और साथ ही में इस बार जो है CSP कार्ड वालों के लिए, CSP स्कोर वालों के लिए जो है बहुत ही जो है रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो अगर आपके पास CSP कार्ड नहीं है, CSP स्कोर नहीं है, जिसे आप OST स्कोर कार्ड भी कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, किसी किसी स्कूल में 2 साल का दिया जा रहा है, किसी किसी में 1 साल का दिया जा रहा है। तो जैसे भी है वो स्कूल के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो आप देख के, मतलब उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करके एंड देन आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना बिहार की है, और इसमें 3 अलग अलग जगह से वैकेंसीज़ हैं, 3 वैकेंसीज़ हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो पूरी वैकेंसी शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी अभी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल कमांड CSB क्लस्टर 05 की वैकेंसी है। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है APS दानापुर.com पर, आप जाएंगे तो वहीं पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दी हुई है और ये एड्रेस है स्कूल का। यहाँ पे दिया हुआ है सेशन 2024-25 के लिए ये रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पे थ्रू CSB दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 25, उनको रेफरेंस दिया, मतलब उसमें रेफरेंस में ये वैकेंसी आई हुई है 25, जो कि 25 और 26 नवंबर 2023 को ये पेपर हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुली कैंडिडेट्स ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम एंड थ्रू एंड दोज वू फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे ये जिनका इशू हो चुका है वो, एंड और में दिया है, देखिए और में दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स वो हैव नॉट क्वालिफाइड OST मे ऑल्सो अप्लाई एंड अपीयर फॉर इंटरव्यू। वो जिनका OST क्लियर नहीं हुआ है, क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो भी इस इंटरव्यू में जो है अपीयर हो सकते हैं। टीचिंग स्किल्स टेस्ट देंगे एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उनका, एंड रेगुलर या फिक्स टर्म के लिए उनका जो है ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें इन्होंने दिया रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए विद इन 2 ईयर्स में ही आपको अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर में 50% मार्क्स के साथ आपको जो है ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसीज देख लीजिए कहाँ कहाँ से आई हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से, आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट से, और आर्मी पब्लिक स्कूल गया से। तो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट से PGT में इंग्लिश के लिए 2 पोस्ट है, फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में 2 है, बायोलॉजी में 1 है, मैथमेटिक्स में 1 है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, और पॉलिटिकल साइंस में 1 है। TGT में इंग्लिश 1, हिंदी 2, संस्कृत में 1, मैथमेटिक्स में 3, और फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1, इकोनॉमिक्स में 1, ज्योग्राफी में 1, कंप्यूटर साइंस में 1, PRT में फिजिकल एजुकेशन के लिए 1, और म्यूज़िक में भी 1 पोस्ट है। इसके अलावा रामगढ़ कैंट के जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसमें PGT और TGT में दोनों में वैकेंसी है, जिसमें PGT में मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक में 1 पोस्ट और इंग्लिश में 1 पोस्ट, TGT में फिजिक्स में 1 और हिस्ट्री के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल गया में भी TGT के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए 1-1 पोस्ट है, और PRT के लिए 1 पोस्ट है। अब देखिए इसमें लास्ट डेट अप्लाई कैसे करना है, आपको 22 जनवरी से पहले तक आपको इसमें अप्लाई कर लेना है, और डेट जो है इंटरव्यू की वो 30 जनवरी, 31 जनवरी या 1 फरवरी, तीनों में तीन अलग अलग डेट्स दी गई हैं। और अप्लाई कैसे करना है इसे आप देख लीजिए। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल, आपको जो है इस वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है, और ऑल आपके जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं टेस्टिमोनियल्स के, उसकी फ़ोटोकॉपी उसमें लगानी है सेल्फ अटेस्टेड करके, और 100 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको इसके साथ अटैच करना है। एंड उसके बाद आपको आपको किस तरीके से अप्लाई करना है
वेयर विलिंग टू अप्लाई शुड सबमिटेड टू द सेम स्कूल, सेम स्कूल में आपको जाके सबमिटेड करना है। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए मेल के थ्रू या फिर अपलोडेड ऑन स्कूल वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि किस दिन इंटरव्यू है, स्केड्यूल जब भी होगा तो, ठीक है। और कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वन स्कूल ओनली इन द क्लस्टर फाइव, ठीक है। तो आप किसी भी एक क्लस्टर फाइव की जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें तीन वैकेंसीज हैं जिसमें से आपको किसी एक ही उसमें अप्लाई करना है। सैलरी एज पर AWES के अकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरव्यू की डेट भी यहाँ पे कहीं पे मेंशन थी, एक मिनट मैं आपको फिर से बताती हूँ। पहले भी मैंने आपको बता दिया एज रिलैक्सेशन में आपको बिलो 40 ईयर, बिलो 45 ईयर और बिलो 50 और बिलो 57 फ्रेशर्स कैंडिडेट्स और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। हाँ, इंटरव्यू की डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 जनवरी को है, ठीक है। लास्ट डेट इसमें अप्लाई करने की 22 जनवरी है, ठीक है। तो आप CSB के स्कूल में, CSB के वेबसाइट पे जाकर, सॉरी AWES के वेबसाइट पे जाकर या फिर स्कूल के वेबसाइट पे जाकर फॉर्म डाउनलोड करके और उसमें अपने जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उसके जेरोक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके और उसके साथ अटैच करके आपको ये फॉर्म इस तरीके से होगा, उसे फिल करके आपको भेजना होगा। या फिर आप आपके एरिया में है तो आप खुद जाकर स्कूल में सबमिट करके आ सकते हैं। 100 रुपये की इसमें, 100 रुपीज़ की इसमें फ़ी लगेगी आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दी और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आर्मी पब्लिक स्कूल में इस ईयर की पढ़ाने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। और इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा कोई अलग अगर आपको किसी सिटी से वैकेंसी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।